तो मतदान के बाद लोकसभा चुनाव में पलवल होडल और हदीन के ईवीएम स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। सभी के अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की है, साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी ईवीएम पर निगरानी की जा रही है। में हुए लोकसभा मतदान के बाद अब जो ईवीएम है उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर रख दिया गया है। वहीं बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पलवल जिले की, तो पलवल जिले के हम इस समय भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर ये ईवीएम रखी गई हैं। और अगर हम इन ईवीएम की बात करें तो पहले यहां पर कल जो ईवीएम थी होडल, हतीन और पलवल की, जो तीनों जो विधानसभा की ईवीएम थी यहां पर लाई गई है और उनके बाद यहां पर उनको रखा गया है। और उनको अगर मैं देखा जाए तो यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि थ्री सुरक्षा लेयर यहां पर दी गई है। और सुरक्षा लेयरों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से सीसीटीवी के अंदर निगरानी रखी जा रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो पुलिस के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरफ ईवीएम रखी गई है वहां पर उस स्ट्रांग रूम के आसपास कोई भी नहीं जा सकता। और उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक यहां पर जो अधिकारी हैं वो स्क्रूटनी के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए उन स्ट्रांग रूम्स की, तो वहां पर पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आप सीसीटीवी के जरिए आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से कैसे निगरानी रख रही है। यहाँ पर जो रिजर्व फोर्स यहाँ पर बुलाई गई थी उनकी भी यहाँ पर निगरानी रखी है, उनके जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सीसीटीवी के माध्यम से कि जो सुरक्षा है किस तरह यहाँ पर रखी जा रही है, किस तरह लोग यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पहुंच नहीं सकता, उसको लेकर सभी जो रूम्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए आप देख सकते हैं। पुलिस की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बड़ी सख्त की गई है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी जो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट के जो यहाँ पर समर्थक थे उनके लोग यहाँ पर निगरानी पर बैठे रहे और उसके बाद उन लोगों को यहाँ से उठाया गया था। परंतु अब फिर से एक बार लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं अपने अपने यहाँ पर जो किस्मत है उनकी जो किस्मत इसमें लॉक हो चुकी है स्ट्रांग रूम के में। अब उनका जो भविष्य तय होगा वो 4 जून को जब इनकी काउंटिंग शुरू होगी उसको लेकर यहाँ पर पूरे सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, सीटीएम स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अभी जिनको स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बहरहाल पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पलवल जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर हर समय और पुलिस प्रशासन के लोग चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।